इसी बीच आपको शिमला से एक बड़ी खबर बता दें, संयुक्त कर्मचारी महासंघ का अल्टीमेटम, सामन्याय महासंघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आंदोलन के साथ सचिवालय गिराव की चेतावनी भी दी गई है। कई मांगे यहां पर है महासंघ की, उसको लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया, 15 दिन का चेतावनी दी है, मांगे पूरी ना हुई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आंदोलन के साथ सचिवालय गिराव की भी चेतावनी की तरफ से दी गई, आप उनके बयान को सुनिए। फिर 3 हफ्ते का एक और सरकार को समय दे रहे हैं, उसके बाद हम प्रदेशव्यापी आंदोलन भी करेंगे। अपने किया इसे पहले, आपने देखा होगा संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने जिलावार आंदोलन किया है, रैलियां की है, हम उस कड़ी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने का हम मजबूरन हम बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हम फिर से 3 हफ्ते का समय और विशेषकर 15 अगस्त का समय हम देख रहे हैं। मैं आपको स्वच्छ बताऊं, हमने ये निर्णय लिया कि हम 15 अगस्त का एक दिन, ऐतिहासिक दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा कि उसमें मुख्यमंत्री क्या क्या घोषणाएं करता है, उसके बाद की जो बातें होगी वो सारी लॉलीपॉप होने, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होगी, फिर कर्मचारियों को मजबूरन जो है सरकार के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, उसकी सारी नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री और सरकार की होगी। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर चेतावनी एक तरह से सरकार को दे दी गई है कि 15 अगस्त तक का हम इंतजार करेंगे और उस 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई बड़ी घोषणाएं यहां पर करने वाले हैं। और जब बड़ी घोषणाएं यहां पर की जाएगी, हालांकि ग्राउंड पर उसका किसी तरह से अमल नहीं होगा, इस तरह की बात भी उनकी तरफ से कही गई। वीरेंद्र चौहान अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ, और कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों को की मांगों को नहीं मानती इसी तरह से, तो कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतरेगा और प्रदर्शन करने को हम आतुर होंगे, मजबूरन हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, सरकार को घेरना पड़ेगा, क्योंकि मांगे कई सालों से कर्मचारियों की पूरी नहीं हो रही है। आंदोलन के साथ सचिवालय गिराव की चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है, मांगे नहीं मानी तो सड़कों पर कर्मचारी उतरेंगे, इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को खुली चेतावनी देते हुए यहां पर कर्मचारी महासंघ नजर आया है। वीरेंद्र चौहान अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आपका जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आपकी तरफ से अल्टीमेटम सरकार को यह दिया गया कि 15 अगस्त तक का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है? सबसे पहले ये बताइए कि आपकी मांग क्या है। देखिए, जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। जैसे कि आपने कहा कि हमने सरकार को 3 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, लगभग 15 मार्च का दिन जो होगा, क्योंकि वो बहुत ऐतिहासिक दिन है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर भी जी। तो उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को क्या सौगात देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़े लंबे समय से कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उनको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और कर्मचारी आज हिमाचल प्रदेश के अंदर त्रस्त है, उनकी कोई भी मांग जो है अभी पूरी नहीं हुई है। जो छठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू हुआ है, उस वेतन आयोग में इतनी अनियमितताएं हैं कि जूनियर जो है वो सीनियर से कहीं ज्यादा वो सैलरी ड्रॉ कर रहा है, और भी जो पंजाब से बहुत पीछे हो गए, उन सब चीजों को लेके हम कल मुख्य सचिव से भी मिले थे, हमने ज्ञापन भी सौंपा है, उनको हमने समय रहते इसको दुरुस्त करने की बात कही है। और हम देख रहे हैं कि 15 मार्च तक क्या स्थिति होती है, 15 मार्च को कौन कौन से जो वित्तीय लाभ कर्मचारियों की रुके है उसके ऊपर सरकार गौर करती है, अन्यथा सरकार ये जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसने पहले भी एजुकेशन की है, अभी आपने देखे होगी फरवरी मार्च महीने में हमने बहुत सारे जिलों में एजुकेशन की है, हम दोबारा से उस प्रोसेस को शुरू करने वाले हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा वीरेंद्र चौहान अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से साफ तौर पर अल्टीमेटम सरकार को दिया गया कि इंतजार कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाए पहले तो ठीक, नहीं तो धरना प्रदर्शन होगा।